हेलो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली ये है, दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों पॉजिटिव, उनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में माइनस क्यू चार्ज, सपोज इस पॉइंट पर मान लेते हैं सी। What will happen to the charge if it is displaced at right angles to the line joining positive charges? तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, तो सबसे पहले तो ये लाइन है, दिस इज लाइन, दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब यदि इस लाइन पे हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा? सपोज मैं इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करता हूं और इसको ले जाता हूं सी डैश पॉइंट, सी डैश पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज को, तो क्या होगा? ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, और इधर ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये फोर्सेस लगी। अच्छा, जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में जब हमने वेक्टर पढ़े थे, यदि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट यानी उस एंगल को आधा करते हुए जाएगा। तो यदि यहां पर मैं ऐसे पैरेललोग्राम बनाऊं और रिजल्टेंट निकालूं तो ये होगा इनका रिजल्टेंट। तो पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया सी से, मैं सी डैश की तरफ लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट था वाई प्लस वाई, और फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये केस हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम का। और स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी जो पार्टिकल सी पे है तो इस सी पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स यदि चेक करें हम, तो देखिए यहां पर रखें सी पे इस चार्ज को माइनस क्यू जो पहले सी पे था एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में, तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर और ये चार्ज फोर्स लगाता इधर, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम, क्यू स्मॉल क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम, क्यू स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में डिस्टेंस सेम, तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल था वो इक्विलिब्रियम में था। और यदि हम इसको इसके परपेंडिकुलर यानी जो चार्ज को मिलाने लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो जो पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल को सी पे ले गया, तब देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट किया पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट था ऊपर की तरफ, डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, फोर्स किस तरफ लगी? नीचे की तरफ। तो मैंने आपको बताया था ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, तो जो फोर्स है वो पार्टिकल पे लग रही है नीचे की तरफ, तो जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ता हूँ ये फोर्स पार्टिकल को नीचे ले जाएगी, जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और सी पॉइंट पर स्पीड हो जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पर इनर्शिया की वजह से जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जाएगा, अब नीचे की तरफ जाएगा तो फिर इस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ और फिर पार्टिकल, इस तरह से जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा एंड इट विल ऑसिलेट। तो हम इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
by using equation of simple harmonic motion f is equal to minus kx, तो k की वैल्यू निकाल के टाइम फिर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे से क्वेश्चन में पूछा है if it is displaced at right angle to line joining the positive charges, the particle will return back to point to equilibrium position, या बेसिकली आप ये कहते हैं the particle will oscillate, और पार्टिकल था कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका दूसरा पार्ट है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस। तो अब मान लो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो आप देखिए सपोज ये था पार्टिकल सी पॉइंट पे, तो मान लो अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करता हूं इसको, और मैं इसको ले जाता हूं सी डैश पॉइंट पे चार्ज माइनस क्यू, तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, जो क्यू कैपिटल क्यू है ये चार्ज इधर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो चार्ज है प्लस क्यू ये इस पे इधर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। बट ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम, बट जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर, उसके रेसिप्रोकल के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑन सी डैश ड्यू टू बी, और ये है एफ C dash due to A, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं F C dash B is greater than in magnitude F C dash A। देखिए पार्टिकल C पे था, C पे नेट फोर्स कितनी थी, C पे नेट फोर्स जीरो थी, तो पार्टिकल यहां पे था इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि हम इसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करते हैं, तो जो पार्टिकल है जैसे सपोज यहां था सी पे, तो मैंने अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया, यानी इधर किया डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव, तो अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट था ये था डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और अब देखिए नेट फोर्स इसका, इसका मैं रिजल्ट निकालूं तो जो नेट फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ रही है। यदि मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो जो ये न्यू पोजीशन पे जा रहा है, तो वहां पे इस पे नेट फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है फिर उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस ओर ई एंड प्लस ई आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ए, वेयर शुड बी ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जो थर्ड पॉइंट चार्ज है हमें उसका इक्विलिब्रियम देखना है, जो दो चार्ज है वो तो पहले से ही फिक्स है। तो सिचुएशन ये है सपोज वी हैव टू फिक्स चार्जेज, एक चार्ज ए पे है दूसरा बी पे है, मान लेते हैं ए पे चार्ज है प्लस फोर ई और बी पे चार्ज है प्लस ई, रेशन में थर्ड पॉइंट चार्ज भी प्लेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जो थर्ड चार्ज है हमने देख लिया था, जो थर्ड चार्ज है उसके साइन पे इंडिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। अच्छा वो किसके नजदीक होगा, बड़े चार्ज के या छोटे चार्ज के, सोचिए। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप बता देंगे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किसके पास होगा, छोटे चार्ज के पास। तो मैं यहां पर लेता हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट,
मान लिया सी है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो चार्ज हमने लिया है, अच्छा जो चार्ज उसकी मैग्नीट्यूड आप कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम है वो इस जो तीसरा चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड और साइन के इंडिपेंडेंट होगा। तो मान लो मैं यहाँ इस चार्ज को मान लेता हूं प्लस क्यू, तो आप देखिए जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो ये फोर्स है एफ ऑन सी ड्यू टू बी, ये है एफ ऑन सी ड्यू टू ए। तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लिया ये डिस्टेंस है एक्स एक्स, और ये पूरी डिस्टेंस गिवन है ए, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई ए माइनस एक्स। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ सी बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एफ सी बी शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ए। एफ सी बी के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू वन चार्ज कितना है ई, क्यू टू यानी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है दिस डिस्टेंस ए माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एफ सी ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये है के फोर ई। अच्छा आप ध्यान रखें जब भी आप इस तरह से फोर्स लिखते हैं तो आपको फोर्स की जो इक्वेशन है उसमें आपको चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड रखनी है। सपोज यहाँ पे चार्ज होता माइनस फोर ई माइनस ई, या माइनस फोर ई प्लस ई, तो उस केस में भी आपको क्या लिखनी थी केवल मैग्नीट्यूड रखनी थी। जो डायरेक्शन है वन डायमेंशनल, यदि वन डायमेंशन में है फोर्स तो आप प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, यदि आप राइट साइड को प्लस ले रहे हैं तो लेफ्ट को माइनस ले सकते हैं, और नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो ये इधर जाके इक्वल ही हो जाएगी। हाँ लेकिन ध्यान ये रखें जो फोर्स की इक्वेशन है उसमें आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा चार्ज की आपको मैग्नीट्यूड लिखनी है। तो के इंटू क्यू वन फोर ई क्यू टू, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर, दिस क्यू कैंसिल दिस, के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं वन बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाई एक्स स्क्वायर, या आप और सिंप्लीफाई कर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स कम्स आउट टू प्लस माइनस टू ए माइनस एक्स। तो फर्दर सोल्व करें इसको, एक्स कम्स आउट टू प्लस साइन ले तो प्लस टू ए माइनस एक्स, ए माइनस टू एक्स, टू ब्रैकेट से बाहर है तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू टू ए, तो एक्स इक्वल टू टू ए बाई सी। अब तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें ये दो चार्ज पार्टिकल हमने फिक्स रखे थे, इस बार ये पहले ही हमने प्रॉब्लम दी पॉइंट चार्जेस शोन इन फिगर आर फ्री टू मूव, मतलब ये जो चार्ज है ये फिक्स नहीं है ये फ्री है एट वन पॉइंट आवर, मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है यदि उस पे किसी चार्ज को रख दे थर्ड चार्ज पार्टिकल को सच दैट ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमने पहले देख ही लिया था जो थर्ड चार्ज है जिसको हम रखेंगे जो इक्विलिब्रियम में होगा
वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज टू बी प्लेस्ड इन थर्ड चार्ज। क्वेश्चन क्या है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि वो पॉइंट ए के लेफ्ट में है या बी के राइट में है या ए और बी के बीच में है। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर ढंग से देखा है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो हमने देखा था यदि चार्ज अनलाइक हो तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा हमेशा इस लाइन पे, लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट। अब बात यह है कि जो पॉइंट है वो ए के लेफ्ट में है या बी के राइट में है या ए और बी के बीच में। यदि चार्ज लाइक चार्ज होते या तो दोनों नेगेटिव होते या दोनों पॉजिटिव होते तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए और बी के बीच में आता है, बीच में किसी पॉइंट पे इस लाइन के बाद। अब क्योंकि जो चार्ज है वो अनलाइक है तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो या तो ए के लेफ्ट में आएगा या बी के राइट में आएगा, आएगा इसी लाइन के लॉ। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमेशा उस चार्ज के नजदीक होगा जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी। तो आप देखिए इन दोनों में किस चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल है, इसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है और पॉइंट बाहर होगा, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बी के राइट में आएगा नहीं सी पॉइंट पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्टिकल और टू द राइट, देयर राइट टू द राइट ऑफ बी या राइट ऑफ टू पार्टिकल ऐसे भी कह सकते हैं। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, और तीनों जो पार्टिकल हैं ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो हमें ये कंडीशन मैच करनी है कि तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम हो। अब सपोज यदि मैं सी पॉइंट पे यदि चार्ज रखता हूं प्लस कैपिटल क्यू, तो आप देखिए ये जो प्लस कैपिटल क्यू है इस पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स इस तरफ और ये लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ, तो ठीक है ये तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसको प्लस क्यू मानने से क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, लेट्स चेक। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, ये पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। तो माइनस चार्ज लेके देखें, इसको माइनस क्यू लेके देखें, ये तो है इक्विलिब्रियम, ये जो चार्ज है जो सी पॉइंट पर रखा है ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, ये तो साइन और इसके निर्भर है। हमें तो बाकी जो दो चार्जेस हैं वो चेक करने हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अब यदि मैं इसको माइनस क्यू कर देता हूं तो आप देखिए माइनस क्यू चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो जो नेट फोर्स है वो इस पे जीरो हो सकती है। इस तरह से आप देखो इस पे ये लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, ये लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, हेंस साइन ऑफ चार्ज इज नेगेटिव। साइन ऑफ थर्ड चार्ज नेगेटिव।